हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रोजाना एक गिलास पानी में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर पीने के फायदे, जान दंग रह जाएंगे आप। आइए जानते हैं इसके बारे में। काली मिर्च एक ऐसा मसाला है जो स्वाद के साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसे सलाद, कटे फल या दाल साग पर भी छिड़क कर खाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू इलाज में भी किया जाता है। काली मिर्च खाने के बहुत ही फायदे हैं। कई प्रकार के घरेलू नुस्खे में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आपको कई सारी बीमारियों और समस्याओं में लाभ मिलता है। काली मिर्च के तीखे स्वाद के कारण इसका बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अनेक प्रकार की बीमारियों में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत अधिक कारगर है। पेट, त्वचा और हड्डियों से जुड़ी समस्या को दूर करने में काली मिर्च बहुत ही ज्यादा असरकारक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि काली मिर्च का उपयोग आपको कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है। काली मिर्च खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है, पर क्या आपको पता है कि काली मिर्च ना सिर्फ आपके खाने के स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि आपकी सेहत का भी विशेष ख्याल रखती है। आयुर्वेद में काली मिर्च को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बीमारियों के इस्तेमाल में काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च का पानी पीने से शरीर को हर बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोजाना एक गिलास पानी में काली मिर्च को मिलाकर पिएं। इसे पीने से आपका शरीर कई बीमारियों से बचा रहेगा। तो आइए जानते हैं काली मिर्च को पानी में मिलाकर पीने के फायदों के बारे में। एक गिलास गर्म पानी में थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर पीने से बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इसके साथ ही ये हमारे बॉडी सेल्स को पोषण देने का भी काम करती है। इससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। काली मिर्च की पानी को पीने से बॉडी को भरपूर पोषण मिलता है। इसके अलावा इस पानी को पीने से शरीर में होने वाली पानी की कमी दूर होती है। गर्म पानी के साथ काली मिर्च के सेवन से स्किन हाइड्रेट होती है, साथ ही शरीर में पानी की कमी न होने से थकान का अनुभव भी नहीं होता है। काली मिर्च पानी का सेवन करने से हमारे शरीर का स्टेमिना भी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इसके सेवन से बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे शरीर को मजबूती मिलती है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो काली मिर्च का सेवन गर्म पानी के साथ करने से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके सेवन से हमारे शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे बवासीर और कब्ज जैसे रोगों से छुटकारा मिल जाता है। तो आप जानते हैं कि काली मिर्च के प्रयोग, उम्र बढ़ने के साथ ही होने वाले गठिया रोग काली मिर्च के इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं। इसे तिल के तेल में जलने तक गर्म करें। इसके बाद इस तेल को ठंडे होने पर दर्द वाली जगह पर उपयोग करें। आपको बहुत आराम मिलेगा। जंक फूड के कारण बवासीर की समस्या आजकल ज्यादातर लोगों को हो रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए जीरा, काली मिर्च और चीनी या मिश्री को पीसकर एक साथ मिला लें। सुबह शाम 2 से 3 बार इसे लेने से आपको बवासीर से राहत मिलती है। पेट दर्द का कारण केवल खराब खान पानी नहीं, बल्कि कीड़े भी इसकी वजह हो सकते हैं। इससे भूख कम लगती है और वजन तेजी से घटता है। इसे दूर करने के लिए 1 चम्मच काली मिर्च के पाउडर को 1 ग्लास गर्म पानी के साथ पिएं। इसके अलावा काली मिर्च को किशमिश के साथ मिलाकर खाने से भी पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं। त्वचा पर कहीं भी फुंसी होने पर काली मिर्च पानी के साथ पत्थर पर घिसकर अनामिका उंगली से सिर्फ फुंसी पर लगाने से फुंसी बैठ जाती है। काली मिर्च को सुई से छेदकर दिए के लौ से जलाएं। जब धुआं उठे, इस धुएं को नाक से अंदर की ओर खींच लें। इस प्रयोग से सिर दर्द ठीक हो जाता है और हिचकी चलना भी बंद हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो रहता है तो दिन में 2 से 3 बार 5 दाने काले मिर्च के साथ 21 दाने किशमिश का सेवन करें। आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। काली मिर्च 20 ग्राम, जीरा 10 ग्राम और शक्कर या मिश्री 15 ग्राम कूट पीसकर मिला लें। इसे सुबह शाम पानी के साथ फांक लें। बवासीर रोग में लाभ मिलता है। आधी चम्मच पीसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी घी के साथ मिलाकर रोजाना सुबह शाम नियमित खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। काली मिर्च 20 ग्राम, सौंठ, पीपल, जीरा व सेंधा नमक सब 10-10 ग्राम की मात्रा में पीसकर मिला लें। भोजन के बाद आधा चम्मच चूर्ण थोड़े से जल के साथ फांकने से कई परेशानियों का हल होता है। शहद में पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर दिन में 3 से 4 बार चाटने से खांसी बंद हो जाती है। बुखार में तुलसी, काली मिर्च तथा गिलोय का काढ़ा बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। 4-5 दाने काली मिर्च के साथ 15 दाने किशमिश चबाने से खांसी में लाभ मिलता है। काली मिर्च सभी प्रकार के संक्रमण से छुटकारा दिलाती है। सिर में डैंड्रफ व खुजली की वजह से बाल गिरते हो तो काली मिर्च, प्याज, नमक इन सब को पीस कर बालों की जड़ों में लगाएं।
बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो आप भी काली मिर्च का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।